देखिए, दशहरा का पर्व चल रहा है, आज नवमी है, कल विजयदशमी है। सबसे पहले बिहार वासियों को, देशवासियों को अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से और आप लोगों को भी विजयदशमी यानी दशहरा का शुभकामना देते हैं। आप सुख समृद्धि माँ दुर्गा आप लोगों को लावें और राज्य में, देश में शांति का माहौल हो। जो गंदे तत्व हैं, बुराइयाँ जो उभर रही हैं, चाहे महिलाओं के प्रति हों, चाहे दलितों के प्रति हों, उस पर अंकुश लगे, यही माँ दुर्गा से हम लोग प्रार्थना करते हैं और आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए जिस प्रकार से माँ दुर्गा लड़ाई की थी, लड़ी थी, उसी प्रकार से हम सब लोगों को सम्मिलित होकर के लड़ना चाहिए ताकि देश से और राज्य से बुराइयों का खत्म हो और अच्छाई प्रिवेल करे, जिसे समाज सुख और समृद्धि में रहे। यही कामना के साथ सब लोगों को विजयदशमी और दशहरा के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। सर, कल एक आपका बयान था सर कि कन्या पूजन लोग करते हैं, कन्या के उत्थान के लिए भी काम करना चाहिए। हाँ, देखिए, हमने ये कहा था कल कि नारी शक्ति हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के अंतर्गत एक बहुत बड़ा माने रखता है और आदि काल से ही महिलाओं के प्रति हम लोग सम्मान रखे हैं और यही कारण है कि हम लोग महिलाओं का नाम आगे लेते हैं। जैसे माता का नाम पहले लेते हैं तब पिता का नाम लेते हैं, उसी प्रकार से सीता का नाम पहले लेते हैं तब राम का नाम लेते हैं, राधा का नाम पहले लेते हैं तो कृष्ण का नाम पहले लेते हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसी बात आ गई कि कवि और मैथिली सन गुप्त को कहना पड़ा था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यानी अबला बना दिया गया था। वो महिलाएं अबला नहीं है, सबला है और वो सबला का रूप आज देने की ज़रूरत है। पूजा तो हम करते ही हैं, साथ साथ उसको हम कैसे सबल बनावें इसकी चिंता करनी चाहिए। इसी के लिए कल हमने कहा था कि कहा गया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या बेटी हो या भंगी का संतान हो, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। लेकिन आज गरीबों की बेटियों को, गरीबों के बेटा को आज सरकारी विद्यालय के हवाले किया जाता है, जहाँ पढ़ाई बहुत कम होती है, ख़राब होती है। बिरले मास्टर कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं और यही कारण है कि गिने चुने हमारे गरीब तबके के लोग भी बड़े बड़े पदाधिकारी बन रहे हैं, और नहीं तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया दे करके लोग डिग्री लेते हैं और सभी पदों पर जाते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि जब नारी को अगर ठीक करना हो तो उसकी पढ़ाई को ठीक करना चाहिए। और जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में आया था तो आपने देखा होगा कि प्रथम क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चियों की पढ़ाई किसी जात किसी धर्म की हो सब फ्री किया था। आज दुर्भाग्य की बात है कि आज वो सिस्टम को लागू नहीं किया, और जहाँ कहीं किया भी था कुछ दिन के लिए तो कॉलेज को डेफिसिट ग्रांट नहीं दिया गया, जिसके चलते हमारे बहुत से बेटियों का सर्टिफिकेट हेल्ड अप है और जो पैसे वाले लोग हैं सर्टिफिकेट ले गए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि नारी के कन्या को पूजा करने से नहीं होता है, बल्कि उसके लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जो बदकिस्मती है कि सरकार आगे नहीं बढ़ी है, कुछ काम होते हैं लेकिन वो काम प्रभावकारी नहीं होते हैं। इसीलिए कहा था कि सबको शिक्षा एक समान हो। सर, आज तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं क्योंकि 5 स्टेट में उनकी हार होने वाली है। देखिए, हर हारने वाला आदमी होता है। पहलवानों में हम लोग देखा है कि जब वो अखाड़ा में लड़ते हैं, गिर जाते हैं तो कहते हैं छप के आओ हम पटक देंगे, तो वही बात इनकी है। कौन बिना पर कहते हैं चले थे चौवे बन करने के लिए, क्या भाई तो भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे अमुक आदमी, या सब लोग हम लोग एक हो करके भाजपा का या एनडीए का हम लोग सामना करेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है, ताश के पत्ते की तरह से सब छितरा गए हैं। तो इस हालत में कैसे वो सोचते हैं, कैसे कहेंगे, तो निश्चित है कि मन बहलाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए तेजस्वी जी ने ऐसा कहा कि
कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं चार राज्यों का, पांच राज्यों का, वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, एक गलत झूठी बात है। एकदम जस्ट उल्टी बात यही है कि उन सब राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि नीतीश इनका नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है हर क्षेत्र में। इसलिए भारत की जनता आज सोच करके बात कर ली है, समझ ली है कि 2024 और 2025 में एनडीए के गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है।